हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर आज मजदूरों की जिस तरह भीड़ लगी, उससे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी सतर्क हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली वालों से क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबको नमस्कार। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है। हम जानते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से कितना भारी संकट आया हुआ है। कई देशों में हजारों हजारों लोगों की जान चली गई है। हमारे देश में अभी ये धीरे धीरे फैलने लगा है। हमारे देश में अभी कोरोना चारों तरफ नहीं फैला है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में समय रहते 24 मार्च को 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। आज वो 21 दिन पूरे हुए। आज हम देख रहे हैं कि अगर अभी कोरोना लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया और सारी चीज़ें चालू कर दी तो पूरे देश में कोरोना फिर फैल जाएगा। हमारी जान ही चली जाएगी, हमारे परिवार वालों की जान चली जाएगी, कई लोग बीमार हो जाएंगे, चारों तरफ महामारी फैल जाएगी। हमारी जान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आज इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है 3 मई के लिए। अब अगर हम अगले कुछ दिनों तक अनुशासन नहीं रखेंगे, अगर हम अगले कुछ दिन अपने अपने घरों में नहीं रहेंगे, तो ये जो 21 दिन की हमारी तपस्या थी ये भी खराब हो जाएगी। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आप सब लोगों से विनती है कि थोड़ा सा 3 मई के लिए और हम अनुशासन बनाए रखते हैं। पिछले 21 दिन में आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने घर में रह के अनुशासन बना के रखा। अभी 3 मई तक अपने को और अनुशासन बना के रखना है। मैं समझ सकता हूँ आप बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे घर के परिवार के लोगों की ज़िंदगी की बात है। तो कुछ लोग हो सकता है अफवाहें फैलाएं। आप में से कई लोग हैं जो दिल्ली में बाहर से आके, कोई यूपी से आके रह रहे हैं, कोई बिहार से आके रह रहे हैं, कोई हरियाणा से आके रह रहे हैं, दूसरे राज्यों से आके दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं, हो सकता है, जो कि अपने घर गांव वापस जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, 3 मई तक रुक जाइए। अभी अपनी बेचैनी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अभी आप घर जाने की जल्दबाजी मत कीजिए, नहीं तो अगर पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी है, हम हैं, मैं हूं, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, अगर खाने की कमी आ रही है, हमने खाने का बहुत इंतजाम कर रखा है, इतना इंतजाम कर रखा है कि किसी चीज की कमी नहीं है। हम आपको खाने की, दवाइयों की, सब चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग बहुत लोगों को खाना खिला रहे हैं, खूब राशन पहुंचा रहे हैं। अगर किसी चीज की आपके घर में कमी हो हमें बताइए, हम आपके घर पहुंचा देंगे, लेकिन प्लीज अभी अपने घर में रहिए। इस वक्त बहुत लोग आपको अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा मैं आपको आपके गांव पहुंचा दूंगा, इतने पैसे दे दो। कोई नहीं पहुंचा सकता, किसी के चक्कर में मत आ जाना। कोई कहेगा फलानी फलानी जगह पे डीटीसी की बसें खड़ी हैं, चलो। कोई डीटीसी की बसें कहीं नहीं ले जा रही किसी को, किसी की अफवाह में मत आना। कोई कहेगा फलानी जगह चलो, वहां से बसें चलने वाली हैं, यूपी गवर्नमेंट की बसें चल रही हैं, उस गवर्नमेंट की, फलानी गवर्नमेंट की बसें चल रही हैं। कोई बसें कहीं नहीं चल रही हैं, किसी की अफवाह में मत आना, नहीं तो दुर्गति होगी सबकी, आपके पूरे परिवार की दुर्गति होगी अगर सबको लेके निकल गए तो। अभी चारों तरफ अफवाह फैलाई जाने की कोशिश की जाएगी, किसी अफवाह में मत आना। शांति से अपने घर में रहिए, जहां हैं वहीं रहिए। आपको अगर किसी चीज की कमी है आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, हम सारी चीजों की व्यवस्था हमने की हुई है। अगर किसी चीज की कमी है हमें बताइए, हम आपके चीजों को पूरा करेंगे। लेकिन इस वक्त पूरे देश को एकजुट होके 3 मई तक इस लॉकडाउन को सफल बनाना है। हमें अपने देश को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपनी सबकी जिंदगी का सवाल है। देखिए, मुंबई की घटना के बाद दिल्ली अलर्ट पर है। क्यों जरूरत पड़ी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पीसी करने की, क्यों जरूरत पड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह बताने की कि दिल्ली में अफवाह फैलाई जा सकती है, सतर्क रहिएगा। मुंबई की तरह अफवाह फैलाने की दिल्ली में भी साजिश रची जा सकती है।